Good morning. Today I am going to talk about Young Voices of Chance from Class 8 English Subject Unit 10A. In this chapter, we will study about the life and contribution of Malala Usuf Malala Usuf Jai 2015 Nobel Prize Accepted Speech In the year 2015, Malala Usuf Jai became the youngest ever Nobel Prize winner. 2015 ईस्वी में मलाला उसफजई नोबल प्राइज़ विनर जो कि दुनिया की सबसे जुआ जिन्होंने नोबल प्राइज़ प्राप्त किया 2015 में आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे इंग्लिश टू हिंदी सी सेड हर अवार्ड विथ कैलाश सत्यार्थी उन्होंने अपना नोबल पुरस्कार जो है कैलाश सत्यार्थी के साथ शेयर किया सी हैड बिन सौथ इन हर हेड बाई द तालिबान फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान पाकिस्तान में लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने और शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए तालिबानियों के द्वारा उनके सिर पर गोलियों से प्रहार किया गया था लेट दिस इंड विथ्यस लेकिन अब यह हम लोगों के साथ अंत हो जाना चाहिए दिस इज मलाना उसुफ जई दट वॉज द मैसेज ऑफ मलला उसुफ जई ड्यूरिंग हर नॉवल एक्सेप्टेंस स्पीच जब मलला उसुफ़ जई नोबल पुरस्कार को ग्रहण कर रही थी उस समय की उनकी यह आवाज़ लेट दिस इंड विथयस अब जो कुछ था वह हम लोगों के साथ अंत हो जाना चाहिए थ्रू हर स्पीच सी रेज वॉइस फॉर यूथ एजुकेशन अपने भाषण के दरमियान उन्होंने जुआ शिक्षा पर जोर देते हुए अपने आवाज़ को बुलंद की स्टैंडिंग बिफोर एन ऑडियंस दाइट इंक्लूडेड हर पैरेंट वहाँ पर उपस्थित श्रोतागण दर्शक और यहाँ तक कि उनके माता पिता द सेवेंटीन ईयर्स ऑल्ड अर्ज द वर्ल्ड टू एनश्योर दबल एंड अवॉइडेबल सर्कमस्टैंड एम्पिटी क्लास चिल्ड्रेन किल्ड बाई वारंगल्स टोल दैट एजुकेशन इज ए क्राइम इन नाउ यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एक बार इंग्लिश टू हिंदी द सेवेंटीन ईयर ओल्ड अर्ज द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट सत्रह वर्ष की एक लड़की जो पूरी दुनिया के सामने यह आग्रह करती है अर्जड निवेदन करती है इंश्योर दैट यह सुनिश्चित करने के लिए कि टेरिबल एंड अवॉयडेबल सर्कस्टांसेस जो परिस्थितियां हैं जो विभिन्न प्रकार के परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं खाली हैं क्लासरूम वैकेंट हैं कोई बच्चे नहीं हैं चिल्ड्रेन किल्ड बाय वॉर युद्ध में बच्चे मारे जा रहे हैं एवं गर्ल्स टॉल दैट एजुकेशन इज ए क्राइम और युवतियों को बड़ी लड़कियों को कहा जाता है कि एजुकेशन इज ए क्राइम यानी शिक्षा एक अपराध है इन नाव इसका अंत किया जाना चाहिए योर मैजिस्टीज distinguished member ऑफ द Norwegian Nobel कमेटी डियर सिस्टर्स एंड brothers, टुडे इज a डे ऑफ ग्रेट happiness फॉर मी वह नोबल पुरस्कार को ग्रहण करते हुए कह रही हैं कि मैजिस्टिज मैजेस्टीज़ महाशय डिस्टिंग मेंबर्स जहां पर नॉर्वेगियन नोबल कमेटी में विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ विशिष्ट सदस्य बैठे हुए हैं डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स उपस्थित सभी को प्यारे भाइयों एवं बहनों टुडे इज़ द डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आई एम हम दैट द नोबल कमिटी हैज़ सेलेक्टेड मी फॉर दिस प्रेसियस अवार्ड और मुझे गर्व है हम आभार प्रकट करते हैं कि नोबल कमिटी नोबल जो समिति है के द्वारा मुझे इस प्रतिष्ठित बहुत ही कीमती अवार्ड के लिए चुना गया है आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर देयर अनकंडीशनल लव मैं अपने माता पिता को बिना शर्त के लगातार प्यार इजहार और सपोर्ट देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द फर्स्ट यंग पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड और मुझे पाकिस्तान का पाकिस्तान का पहला और पूरी दुनिया का सबसे अंग रिसीवर के तौर पर आज नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए बड़ी खुशी हो रही है नाउ वी मस्ट नो समबलरी सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मलाल सुफई टू थाउजेंड फिफ्टीन नोबल प्राइज एक्सेप्टेंट स्पीच नोबल प्राइज मीन्स नोबल पुरस्कार प्रोमोटिंग शिक्षा को बढ़ावा देना प्रचार प्रसार करना शिक्षा के लिए कार्य करना वॉइस आवाज़ बुलंद की अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक लेकर गई यूथ एजुकेशन जुआ शिक्षा जो कि गर्ल्स यूथ एजुकेशन के लिए काम कर रही थी मलाल सुजाई ऑडियंस श्रोता दर्शक उपस्थित अर्ज आग्रह किया निवेदन किया एंडश्योर सुनिश्चित करना अथवा लागू करना टेरिबल भयावह एवॉयडेबल हटाने युग सर्कमस्टेंसेज परिस्थितियाँ एम्पेटी खाली जो कि विद्यालय बच्चों के बिना खाली था क्राइम अपराध यहाँ पर शिक्षा को एक अपराध के तौर पर तालिबानियों के द्वारा व्याख्या की गई है प्रीसियस अवार्ड मूल्यवान पुरस्कार अथवा कीमती अवार्ड अनकंडीशनल लव बिना शर्त का प्यार जो माता पिता से जो हमें प्यार प्राप्त होता है जो सहयोग प्राप्त होता है वो अनकंडीशनल होता है प्राउड गर्व होना अपने आप को अच्छा से अच्छा महसूस करना फ्राइटेन चिल्ड्रेन भयभीत बच्चे डरे हुए बच्चे वॉइसलेस शब्दहीन बच्चे नेक्स्ट में हम लोग फिर एक पैराग्राफ के बाद वर्ड को और वकेबलरी को लेने का प्रयास करेंगे दिस अवार्ड इज़ नॉट जस्ट फॉर मी यह अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं इट इज़ फॉर दोज फॉर गोटेन चिल्ड्रेन हु वांट एजुकेशन यह उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा को भूल चुके हैं अथवा शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं इट इज़ फॉर दोज फ्राइटन चिल्ड्रेन हु वांट पीस यह उन भयभीत बच्चों के लिए अवार्ड समर्पित है जो शांति को चाहते हैं इट इज़ फॉर दोज वॉइसलेस चिल्ड्रेन हु वांट चेंज यह उन शब्दहीन बच्चों के लिए है जो बदलाव चाहते हैं आई एम हेयर टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स रेज देयर वॉइस मैं यहाँ पर उन लोगों के अधिकार उनकी आवाज़ और उनके जरूरत को उठाने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद हूँ इट इज़ नॉट टाइम टू पी टी यह उन पर दया करने का समय नहीं है इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन सो इट बिकम्स द लास्ट टाइम दैट वी सी ए साइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन आज समय जो है वह दया करने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का दिन है मलाला सुभजाई अपने भाषण में बोल रही हैं इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन सो इट बिकम्स द लास्ट टाइम यानी इस प्रकार के कार्य किए जाने की ज़रूरत है जो है आखिरी होनी चाहिए दैट वी सी अल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन यानी हम सभी पहली बार यह देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा के बिना डिप्राइव्ड यानी वंचित है और यह आखिरी होनी चाहिए यानी इसके बाद हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बच्चे शिक्षा के बिना अधूरा रह जाए अथवा उन्हें शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो फ आई वॉज स्टेन जब मेरी उम्र दस वर्ष की थी स्वात विच वॉज ए प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड ध्यान देंगे जब मलाला उसुफ दस वर्ष की थी जिनका जन्म स्वात घाटी पाकिस्तान में हुआ था वह कहती है कि उस समय पाकिस्तान जो है स्वाद घाटी अपनी सुंदरता और टूरिज़्म तीर्थयात्रियों के लिए जाना जाता था सडनली चेंज इन टू ए प्लेस ऑफ़ टेररिज्म लेकिन कालांतर में कुछ समय के बाद यह आतंकवादों आतंकवादियों की दुनिया प्लेस ऑफ़ टेररिज्म बन गया मोर देन फोर हंड्रेड स्कूल्स वेयर डिस्ट्रॉयड और चार सौ से ज़्यादा विद्यालयों को तबाह कर दिया गया उनको बर्बाद कर दिया गया गर्ल्स वेयर स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू स्कूल छात्राओं को विद्यालय जाने से रोका गया इनोसेंट पीपल वेयर किल्ड निर्दोष लोगों की हत्या की गई वी ऑल सफर एंड आवर ब्यूटिफुल ड्रीम्स टर्न इन टू नाइट मेयर्स और हम सभी कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते थे पीड़ित होते थे और हमारे जो स्वप्न थे दिवा स्वप्न में बदल कर रख रह जाता है एजुकेशन वेंट फ्रॉम बींग राइट टू बी टू ब्रिंग बींग अ क्राइम शिक्षा जो है वह अधिकार होकर ना एक क्राइम के रूप में जाना जाने लगा यानी पाकिस्तान जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान का बॉर्डर तालिबानी क्षेत्र वहाँ पे एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग ए राइट यानी शिक्षा एक अधिकार ना होकर एक क्राइम के रूप में हो गया बट वेन माई वर्ल्ड सडनली चेंज लेकिन जब मेरी दुनिया अचानक से बदली माई प्रेयरिटीज़ चेंज टू लेकिन मेरी भी जिज्ञासा हमारी ज़रूरत बदल गई आई हैड टू ऑप्शंस वन वज़ टू रिमेन साइलेंट हमारे पास दो ऑप्शन थे दो अवसर प्राप्त थे पहला एक चुप रहना एंड वेट टू बी किल्ड और दूसरा मारे जाने का इंतजार करना एंड द सेकेंड वॉज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड और दूसरा जो है वह बोलना उसके बाद मारा जाना आई चूज द सेकेंड वन लेकिन मैंने दूसरी चुनौती को स्वीकार किया जिसमें लिखा हुआ था सेकेंड वॉज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड बोलेंगे इसके बाद मारे जाएंगे आई डिसाइडेड टू स्पीक अप लेकिन मैंने बोलने का निर्णय लिया द ट्रेडिस्ट राइट टू स्टॉप अस एंड अटैक्ट मी एंड माई फ्रेंड्स ऑन नाइन्थ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आतंकवादियों ने हमें रोकने का भर भरपूर प्रयास किया कई बार आक्रमण भी किए और उन लोगों ने आतंकवादियों ने नो नाइन्थ अक्टूबर नौ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेल्व नौ अक्टूबर दो हज़ार बारह ईस्वी को देयर बुलेट्स एंड कुड नॉट विन हम पर बुलेट यानी गोलियों का प्रहार किया लेकिन वो जीत ना सके वी सर्वाइव्ड हम जीवित रहे एंड सिंस दैट डे आवर वॉइस हैव ओनली ग्राउंड लाउडर और उसी दिन से हमारी जो आवाज है और बुलंद हो गया और मजबूत हुआ है इन माई ओन विलेज देर इज स्टिल नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स बहुत चिंता की बात यहाँ जग जाहिर किया गया है इन माई ओन विलेज मेरे ही विद्यालय में सेकेंडरी स्कूल यानी नाइन टू टेन के विद्यार्थियों के लिए कोई भी विद्यालय आज तक नहीं है आई वॉन्ट टू बिल्ड वन सो माई फ्रेंड्स कैन गेट एन एजुकेशन मैं एक विद्यालय खोलना चाहूँगी ताकि हमारे जो दोस्त हैं माई फ्रेंड्स वहाँ से शिक्षा हासिल कर सके एंड द अपॉर्चुनिटी इट ब्रिंग्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स और उन्हें एक अवसर प्रदान करना है ताकि उनके सपने जो हैं वह पूरा हो सके पीपल लाइक टू आस्क मी वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स लोग मुझसे पूछते हैं कि शिक्षा नारियों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है स्पेशली फॉर गर्ल्स यानी विशेष रूप से छात्राओं के लिए शिक्षा क्यों बहुत ज़रूरी है मैं आंसर इज ऑलवेज द सेम लेकिन मेरा उत्तर भी हमेशा सेम ही रहता है उसी के प्रकार से रहता है वट आई हैव लर्न फ्रॉम द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द होली कुरान मैंने होली कुरान यानी पवित्र कुरान के पहले दो पन्ने जो चैप्टर में पढ़े हैं उसको व्याख्या करना चाह रही हैं इज़ द वर्ड इकरा विच मीन्स रीड इसमें होली कुरान में जो प्रथम दो चैप्टर हैं उसमें लिखा हुआ इकरा इकरा का मतलब होता है रीड मतलब पढ़ना इकरा मीन्स पढ़ना इज़ द वर्ड नन वाल कलम और नन वाल मीन्स होता है एक कलम विच मीन्स बाय द पेन यानी कुरान जो शब्द है पहला चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि शिक्षा ग्रहण करना हर किसी का अधिकार है जिसमें से उर्दू में इकरा जिसका मतलब रीडिंग करना और नन वाल कलम जिसका अर्थ होता है पेन यानी आपके पास पढ़नी पढ़ना भी चाहिए और आपके हाथों में एक कलम भी होनी चाहिए कुरान भी यही कहता है एंड द फोर एज आई सेड लास्ट ईयर एट द यूनाइटेड नेशन यही वजह था कि मैंने पिछले वर्ष यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में अपनी बातों को रखा वन चाइल्ड वन टीचर वन पेन एंड वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड एक बच्चा एक शिक्षक एक कलम और एक किताब पूरी दुनिया को बदल सकता है मलाला यूसुफ जई सेज इन द यूनाइटेड स्टेट वन चाइल्ड वन टीचर वन पेन एंड वन बुक कैन सेंज द वर्ल्ड एक बच्चा एक शिक्षक एक कलम और एक किताब पूरी दुनिया को बदल सकता है वी आस्क द वर्ल्ड लीडर्स टू यूनाइट एंड मैक एजुकेशन देयर टॉप प्रियॉरिटी मैंने विश्व से आए हुए लोगों को आग्रह किया एकजुट होने के लिए कहा कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दिया जाना चाहिए प्रायोरिटी मीन्स प्रमुखता ज़्यादा तरजीह दिया जाना थैंक यू द स्पीच थ्रू दो सिंपल वाज डायरेक्ट एंड शोड हर विजडम डिस्पाइट बीइंग सेवेंटीन इयर्स ओल्ड सी हैज़ स्पार्कल ए डायलॉग अबाउट चिल्ड्रंस एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पे देख लेते हैं जो स्पीच इन्होंने दी है संयुक्त राष्ट्र में बहुत ही साधारण है लेकिन सीधा है और यह दर्शाता है हर विजडम डिस्पाइट बींग सेवेंटीन ईयर्स सत्रह वर्ष की एक लड़की कि किस प्रकार से सीहस पा ये डायलॉग अपने संवाद को पूरी दुनिया तक लेके गई और चिल्ड्रेन एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो बच्चों की शिक्षा है उसके लिए हैज़ बिकम ये वॉइस फॉर चिल्ड्रेन हु नीड एजुकेशन और जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है दरकार है उनके लिए एक आवाज़ बनकर उठी मलासूफ मैटर्स ऑफ सच इम्पोर्टेंस दैट कुड नीड ए कपल ऑफ आवर्स फॉर प्रेजेंटेशन वे आर सो इफेक्टिवली इनटू कॉम्पैक्ट स्पीचेज इतनी अच्छी से अपनी बातों को उन्होंने रखी कि पूरी दुनिया तक यह जो है सो so आवाज़ ले जाए कॉम्पैक्ट मीन्स ले जाना आसानी से इधर से उधर ले जाना द गोल्डन रूल ऑफ कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल के आई एस एस आगे प्रश्न भी आपके लिए हैं द गोल्डन रूल ऑफ कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल कृपया इसे संक्षेप में रखें और साधारण में रखें अप्लाइज ऑन ग्रेट स्पीचेज जो कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाषणों में अप्लाई किए जाते हैं कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट योर ग्रामर सिंपल अपनी जो वाइक हैं उसको छोटा रखें और ग्रामर को साधारण बनाकर रखें नॉट ओनली इज़ दिस मोर पावरफुल दैन लॉन्ग लेक्चर्स जो लंबे लंबे लेक्चर्स लेक्चर्स जो होते हैं भाषण होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है बट यू आर मोर लाइकली टू स्टे ऑन द माइंड्स ऑफ लिसनर ऑल द ईयर्स टू कम और आप यदि के आई एस एस का प्रयोग करते हैं तो जो श्रोता होते हैं दर्शक उनके आने वाले वर्षों तक उनके जहन में आप हमेशा के लिए बने रहते हैं और उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत रहते हैं मलाना उसुफ जई नाव क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम मलला उसुफ जई द गोल्डन रूल ऑफ के आई एस एस स्टैंड फोर के स्टैंड्स फॉर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल यहाँ पर के आई एस एस का पूरा होगा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल कृपया इसे संक्षेप में और साधारण में रखें टेररिस्ट अटैक मलाला ऑन नाइन्थ नाइन्थ अक्टूबर 2012 9 अक्टूबर 2012 मलाला बारह इज ए पाकिस्तानी नोबल फिश प्राइज विनर वी कैंड से मलला उसुफ जई पाकिस्तानी गर्ल हु वांटेड एंड फाउट फॉर गर्ल्स एजुकेशन क्वेश्चन नंबर थ्री वेन मलासुफ जई क्वेश्चन हाउ डिड लाइफ इन स्वात वैली चेंज किस प्रकार से स्वात घाटी में जीवन परिवर्तित हो गया वेन मलासुफ जई वाज टेन ईयर्स ऑल स्वात वैली वाज नॉन फॉर पीस एंड ब्यूटी एंड फॉर जर्नलिज्म फॉर टूरिज़्म but in coming days swat valley became the center of terrorism in the world malala usufzai has raised a voice for which issue malala usufzai has raised a voice for girls education in the world whom did malala share her nobel prize malala usufzai shared her nobel prize with with kailash satyarthi वट डिड मलाला मैंसन अबाउट द होली कुरान इन हर स्पीच होली कुरान सी हैज़ मैंसन दैट इक्रा मीन्स रीड एंड नन वाल कलम मीन्स पेन इट मीन्स होली कुरान इट हैज बीन मैंसन दैट वी मस्ट रीड एंड वी मस्ट हैव पेन इट मीन्स इन होली कुरान एजुकेशन हैज़ बिन गिवन इम्पोर्टेंस होली कुरान में भी प्रथम दो चैप्टर में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा यानी पढ़ना और आपके पास एक कलम हो महत्व दिया गया है इन दिस वे वी कैन टू नो अबाउट द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मलाला उसुफ जई सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड पाकिस्तानी गर्ल मलाला मललासुफ़ जई सम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑन सेकेंड प्लेस ऑफ टेररिज्म आतंकवाद की दुनिया आतंकवाद का केंद्र बिंदु डिस्ट्रॉइड बर्बाद कर दिए गए इनोसेंट पीपल निर्दोष लोग नाइट में दिवा स्वप्न दुख भरा स्वप्न प्रेयरिटीज़ प्रमुखता दिलचस्पी अथवा ज़्यादा तरजीह देना स्पीक अप बोलना अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान करना एजुकेशन फॉर गर्ल्स नारी शिक्षा यहाँ पे देखेंगे मलाला उसफई वाज वॉकिंग फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स मलाला उसफई एजुकेशन नारियों की शिक्षा लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही थी इकरा मीन्स रीड होता है पढ़ना और नून वाल क्वालम मनी पेन फ्रॉम कुरान कुरान से लिया गया जिसका इकरा मीन्स रीडिंग मिन्स कलम जो शिक्षा के महत्व को जगह जाहिर करता है स्पार्कल ज्वाला रोशनी डायलॉग संवाद थ्रू आउट संपूर्ण दुनिया कॉम्पैक्ट छोटा उठाकर ले जाने में सुविधाजनक के आई एस एस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल उनके आई एस एस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल पावरफुल शक्तिशाली योर मैजिस्टीज आपका महिमा आपकी गरिमा उपस्थिति डिस्टिंगिस्ट मेंबर विशिष्ट अतिथी सदस्य थैंक्स फ्रॉम विनोद सर इंग्लिश अकॅडमी यूट्यूब चॅनल